गुज़िश्ता रोज़ जोबली एडीसी फैमिली तकाफुल जोनल ऑफिस मर्दान का इफ्तिताह किया गया। इस इफ्तिताही तकरीब के मौका पर जोबली एडीसी फैमिली तकाफुल के कंट्री सेल्स हेड मोहम्मद मिनहास, नॉर्थ एरिया हेड राजा चंगेज और रीजनल हेड मूसा जान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जोनल चीफ जियाउल्लाह ने सीनियर्स का शानदार इस्तकबाल किया। कंट्री सेल्स हेड मोहम्मद मिनहास ने जोनल ऑफिस का विजिट किया और जोनल चीफ जियाउल्लाह के कंपनी आमद को सराहा। जनाब जियाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जोबली एडीसी फैमिली तकाफुल का मकसद आम लोगों को मुआशी तहफ्फुज देना है और जोबली एडीसी फैमिली तकाफुल तेजी के साथ अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा है। मैं अपने सीनियर्स के यहाँ आने पर तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब के आखिर में कंट्री सेल्स हेड मोहम्मद मिनहास, नॉर्थ एरिया हेड राजा चंगेज और जोनल चीफ जियाउल्लाह ने शुरका को इजहार ख्याल करते हुए कहा, जोबली लाइफ जो है ये वो कंपनी है जिसको मैंने पर्सनली यहाँ कैपीके में नॉर्थ में मैंने पर्सनली इंट्रोड्यूस कराया था उस वक्त जब इसका नाम कमर्शियल यूनियन था। तो शुरू ज़माने की बात है, कमर्शियल यूनियन एक्चुअली तो खैर ब्रिटिश कंपनी थी जिसको बाद में एक्टफर्ड ने और अक्वायर किया। जब अभी बैंक की एक्विजिशन हुई तो उसके बाद कमर्शियल यूनियन की भी एक्विजिशन हुई तो उसका नाम एक्चुअली जुबली लाइफ पड़ा। पुराना नाम कमर्शियल यूनियन हुआ करता था जो कि यूके का वो था। तो अभी यहाँ से हम गुजर रहे थे, ये पिछला जो पेट्रोल पंप है पीसो का, मुझे याद है ऐसा लग रहा है कि जैसे कल का यह दिन है। ये बात है 1998 की और ये पेट्रोल पंप एफसी के पास होता था उस वक्त। आई डोंट नो अभी किसके पास है, हाँ आप किसका है, उस वक्त वो एफसी के पास होता था। तो मेरे गांव का ना, उससे मैंने बात भी की मुकरम से, मेरे गांव का एक आदमी था वो यहाँ पे था, वो हमारे पड़ोस में भी हैं, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पे होते थे। तो इसने ये जो स्टोर है यहाँ पे मुझे एक छोटी सी जगह दी थी जिसमें मेरे पास ये सारे मर्दान के लोग आते थे, शेख मुल्तान के लोग आते थे और काफ़ी अच्छे खासे लोग मेरे पास थे। और हमने यहाँ से मर्दान से एक्चुअली केपीके में पहला जो हमने स्टार्ट लिया था वो मर्दान से लिया था, पेशावर बाद में गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राय चंगेज है, मैं जुबली लाइफ एडीसी को नॉर्थ में एड करता हूँ। मर्दान में आज हमारे ऑपरेशन का माशाल्लाह स्टार्ट है। तो मेरे साथ जो है वो मेरे बॉस मिनाज साहब, मैं उनको वेलकम करता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, ऑल द वे कराची से आए, इनके लिए मेरा क्लैप भी कर दें। जुबली लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और उसका जो सेटअप है एडीसी चैनल, उसको हम माशाल्लाह रिप्रेजेंट करते हैं और इस पूरे इलाके में पैन पाकिस्तान एडीसी को हम डेवलप कर रहे हैं और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तकाफुल बेस्ड है। 100% हम तकाफुल को न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हम वो लेकर के चल रहे हैं बल्कि हम सारी तकाफुल को ही प्रमोट कर रहे हैं। और उसके लिए आज मज़ीद जो हमारी डेवलपमेंट का हमारा जो प्लान है उसके आगे हम मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह मर्दान में भी हमने अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया है और इस पूरे एरिया को हम रीजन में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हम वेलकम करते हैं जाको जाने एज ए लोकेशन हेड, हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है और इनके जो प्लान हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे एरिया को बहुत जल्दी और तेज़ी से इंशाल्लाह डेवलप करना है। अल्टीमेटली आज तो हमारी पहली मुलाकात है इस ऑफिस के एतबार से, आप लोगों से भी हमारी होप्स बहुत हाई हैं और हमारे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, हमारे बॉस भी साथ हैं हमारे, वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ वो भी शेयर करेंगे। ख्वाहिश हमारी ये है कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट और बेहतरीन सर्विसेज यहाँ पे लोगों को दी जाए, यानी हमारे कस्टमर दोनों तरह के कस्टमर्स हैं, एक हमारे इनबाउंड कस्टमर्स हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरे हमारे आउटबाउंड कस्टमर्स हैं जो कि हमारे बाकायदा क्लाइंट्स हैं। तो हर दो को हमने फैसिलिटेट करना है दी बेस्ट लेवल पे, जिसके अंदर क्वालिटी सर्विसेज और क्वालिटी इंफॉर्मेशन। क्वालिटी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसको पहले सीखना है, समझना है और सीखने के बाद लोगों को बताना है।
ये नया काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल दो हमारी यहाँ पे जुबली यकीनन लाइफ इंश्योरेंस और तकाफुल भी काम कर रही होगी ऑलरेडी, लेकिन एडीसी का ये पहला सेटअप। तो इस सेटअप से हमने जब लॉन्च करना है अपने आप को, तो हमने ये कोशिश करनी है कि जो हमारी रेपुटेशन है उससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन को फायदा हो, नुकसान ना हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन ना करें जो गलत हो और जिससे आपकी कंपनी का इमेज भी खराब हो और आप लोगों का अपना इमेज भी खराब हो। क्योंकि इस एरिया में हमने ये कोशिश करनी है कि हमने लीड करना है, यानी अपने ब्रांड में भी हमने लीड करना है। जुबली लाइफ का जो जो डीएसएफ चैनल है या तकाफुल है, तो उन दोनों को भी हमने इंशाल्लाह हमने उससे भी लीड करना है। एडीसी ने लीड करना है, तो लीडिंग के लिए जरूरी है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा से भी यही है। आई एम श्योर कि ज़्यादा जब टीम डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह, तो ये इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो कलीग्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे उनसे भी हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल इसी तरह की है। आप सब लोग मुझे जानते हैं। इस इंडस्ट्री में मैं तकरीबन 2008 से काम कर रहा हूं। पहला कदम मैंने स्टेट लाइफ में रखा था, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में 2008 में। इसके बाद फिर 2011 में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हमने तकाफुल ज्वाइन किया। फिर पाकतर तकाफुल में मैंने तकरीबन 9 साल मैंने काम किया और इन 9 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चैलेंज किया है। जब मैदान में हम थे तो मैदान में भी हमने करोड़ों का बिजनेस किया था। इसके बाद बुनेर, सवात, दीर, चतराल तक, इन सारे जगहों पर हमने काम किया, डेवलपमेंट की। तो अब चूंकि जिस तरह मिन्हाज साहब ने कहा कि जुबली एडीसी जो है ना, मतलब ये बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसमें मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र मिली, तो बिस्मिल्लाह किया, मैंने ज्वाइन किया और मैं अपने सारे सीनियर का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, मिन्हाज साहब का, मूसा जान साहब का और राजा चंगेज साहब का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इंशाल्लाह मैं इनकी तवक्कुआत से ज़्यादा काम करूँगा इंशाल्लाह।